प्रोफेसर रजनीकांत जो कि कन्वीनर हैं इस साइंस फेस्टिवल के जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो जैसा उन्होंने बड़ा विस्तार से आपको बताया कि ये जो कार्यक्रम कल 22 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक चलेगा जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर, तो इसमें क्या क्या गतिविधियां होंगी, किस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, वो सब उसका उन्होंने ऑलरेडी डिटेल आपको दे रखा है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो हम एक इवेंट करवा रहे हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये सब हमारे देश की जो 75 साल आज़ादी के हुए हैं उसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कि हमारी भारत सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके तहत ये सारी गतिविधियां हो रही हैं पूरे देश में। ये 75 सेंटर्स हैं देश में जहां पे कि ये कल से साइंस वीक जो पूरा सेलिब्रेट होगा। तो ये 75 सेंटर हैं, 75 साल आज़ादी के हुए हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा है और हमें खुशी है और गर्व है कि और हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम लोग जम्मू प्रोविंस में ये कार्यक्रम आयोजित कर सकें। जम्मू प्रोविंस के जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उन सबको हमने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, वहाँ के बच्चों को आमंत्रित किया है, वहाँ की फैकल्टी को किया है और कोशिश ये है कि ये भव्य समारोह जो हम 6 दिन का यहाँ पे चलेगा वो ना सिर्फ हमारे जो जम्मू प्रोविंस में है उनमें एक साइंस के प्रति उनकी एक अवेयरनेस हो, जागरूकता हो, उनको ये लगे कि साइंस ने हमारे लिए क्या क्या किया है और साइंस या एक साइंटिफिक तरीका अपनाने से हम लोग जो है वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आपने देखा अभी हाल ही में और अभी भी हम लोग सारे मास्क पहने हुए हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं, तो वो एक महामारी के कारण एक कोविड-19 की प्रॉब्लम की वजह से हम लोग ये फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो तरीके हैं ये साइंस ने ही जो है हमारे देश ने वैक्सीन भी डेवलप किए कोविड-19 के अगेंस्ट और इन सब बातों को लेके और जो आगे के 25 साल हैं, जैसे इसमें एक थीम है कि जो आगे के 25 साल है जब हमारा देश की आज़ादी को 100 साल पूरे हों, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तक की जो बुक्स हैं, जो हिस्ट्री बुक्स विच कंटेन द यू नो साइंटिफिक डिस्कवरीज और फिलोसफी ऑफ साइंस उससे रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक जो हैं वो डिस्प्ले पर रहेंगी। अगर कोई ख़रीदना चाहे बच्चा या कोई भी सिविल सोसाइटी से वो उनको खरीद सकता है और बेनिफिट ले सकता है। इन दो के अलावा हमारे पास 5 एक्टिविटीज़ हैं जो कि आइडेंटिफाई की हुई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उसमें एक है कि स्लोगन राइटिंग, दूसरा है एसे राइटिंग, तीसरा है पोइट्री, चौथा है ड्रामा और शॉर्ट वीडियो फिल्मिंग और एक और है उसका ब्यौरा मैंने इसमें दिया हुआ है। हर दिन आफ्टरनून में हमारे पास ये एक्टिविटीज़ में बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। बच्चों की पार्टिसिपेशन हर दिन जो है वो आफ्टरनून में ही होगी। उससे पहले जो फोरनून सेशंस होंगे पांचों दिन वो हमारे लेक्चर प्रेजेंटेशन रहेंगे। उसके लिए हमने काफ़ी अच्छे प्रोमिनेंट और एमिनेंट एकेडमिशियंस जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है जो कि इसमें लेक्चर देंगे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं रिटायर्ड, एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रोफेसर हैं, एक हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल के एक साइंटिस्ट हैं, एक हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन CSIR लेबॉरेटरी जम्मू के हैं और एक हमारे स्क्वास के फॉर्मर डायरेक्टर हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन एग्रीकल्चर पे बात करेंगे, और हमारे वाइस चांसलर साहब भी एक लेक्चर देंगे और मेरा भी एक लेक्चर इसमें रखा गया है। इन सब के अलावा जो जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे इवेंट्स में, जो हर दिन एक इवेंट होगा, उसमें से ज्यूरी वगैरह बनाई जाएगी बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए। उसमें 3-3 प्राइजेस भी
यू नो उसमें रखे गए हैं, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आएगा उन बच्चों को मिलेगा, और जो जो पार्टिसिपेट करेगा एक्टिविटीज़ में या जो सिर्फ जनरल पार्टिसिपेशन करना चाहता है, सबको डेटा बैंक जो है हमारे डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑफिस ने बनाया हुआ है, सबको ई पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन उन्हीं को मिलेगा जो फॉर्मली इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर हुए होंगे। सो इस काम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू यूनिवर्सिटी को कुछ फंडिंग भी दी हुई है, और जिसके लिए जिसकी वजह से हम ये प्रोग्राम जो है वो कंफर्टेबली कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। डेली वेजर को टारगेट करने का, क्योंकि 24 अक्टूबर 2020 को ये लोग डॉक्टर जितेंद्र से मिले, और 7 नवंबर 2020 को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पहली बार डेली वेजर को बैकडोर एंट्री कहा। ये कमाई की इन लोगों ने, और जब हमारी 48 दिन की एजिटेशन शुरू हुई, यही लोग 2 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए, स्ट्राइक से कोई मसला हल नहीं होता, और अब ये स्ट्राइक की कॉल दे रहे हैं। ये कहां से दोगलापन लाते हो, इतना शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, और सबसे ज्यादा उन डेली वेजर को शर्म आनी चाहिए जो लोग इनके पीछे चलते हैं। आप लोग मेरे पीछे चलते हो, कम से कम मेरे बारे में इतनी इंक्वायरी तो करो कि मेरा करैक्टर क्या है, मेरी बेजिस कितनी पेंडिंग है, आपकी कितनी पेंडिंग है। ये जितने भी लीडर हैं, मैं आपको ओपन कह रहा हूं, लगाओ सर सबके खिलाफ आरटीआई, कि इनकी कितनी कितनी वेजिस पेंडिंग है और वर्कर की कितनी है। ये सिर्फ वर्करों को इस्तेमाल करके अपनी वेजिस निकलवाने के लिए लीडर बने हैं, कोई ड्यूटी फ्री करवाने के लिए लीडर बना हुआ है, कोई एमएलए बनने के लिए लीडर बना हुआ है, या फिर कह दो इनको कि आपकी पोस्ट छोड़ दो, मुझे प्रेसिडेंट बनना है। जो लोग इनके साथ चलते हैं ना, बोल दो इनको मुझे प्रेसिडेंट बनना है, आप प्रेसिडेंट ही छोड़ो, अगर छोड़ जाएंगे तो जो मर्जी कहना, क्योंकि इनको कुर्सी की भूख है, इनको पोस्ट की भूख है। आप सभी लोगों को एक बात कहना चाहता हूं फ्रंट की तरफ से, फ्रंट में आखिरी लाइन में खड़ा हुआ वर्कर भी हमारा मेंबर है, और जो सामने चल रहा है वो भी हमारा मेंबर है। ये मेंबर बनाने का एक ही मकसद था, जब प्रेजेंट छोटे बढ़ेगा, इसलिए हमने सबको इक्वल मेंबर बनाया है। यहाँ सभी लोगों का सहयोग होगा। सारे साथियों के निवेदन किया जाता है कि 3 या 4 बंदे ही लाइन है, किस मकसद से किया जा रहा है। पहले तो मैं तमाम मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारी बाज आगे तक पहुँचाते हो। हमारा मेन मकसद यही था कि हमने पहले 1 घंटे का प्रोटेस्ट रखा था, अब हमने एक निर्णय ले लिया कि हमने 72 घंटे की जो कॉल दी है, हमारा मेन मकसद यही था। हमारे जो कैबिनेट डिसीजन, हमारे बावजूद जो कैबिनेट डिसीजन होने के बावजूद हमारी सेक्रेटरी में फैले धूल चाट रही है, हम उसी पर एक धरना प्रदर्शन 72 घंटे पे स्टैक पर आया कि हमें यही कहना चाहते हैं कि ये जो अमित शाह जी का मीडियम बेचिस का एक्ट का जो लागू हुआ था, उसकी हवा तक नहीं हमें लगी है। लेकिन जो हमारे साथी आज तमाम डेली बेचे जो धरना प्रदर्शन के बावजूद एक जितेंद्र सिंह डॉक्टर का गोराव कर रहा, हमने भी निर्णय लिया कि स्टेट डिपार्टमेंट का बोर्ड डिपार्टमेंट है जिनके कैबिनेट डिसीजन होने के बावजूद भी हमारी कोई अभी सुनाई नहीं हो रही है। आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जैसे मार्च महीने के दिन वो प्रधानमंत्री की एक बहुत ही रैली है जहां पर आने वाले हैं, हम कहना चाहते हैं कि डेली बेच कैजुअल लेबर का कोई मसला हल नहीं हुआ, आपकी रैली होगी तो हमारे रोडों पर धरने प्रदर्शन होंगे। हम उस दिन यही निर्णय लेंगे कि इसलिए हमने ब्लैक झंडे लेकर भी धरना प्रदर्शन करने के लिए जाना पड़ेगा, तो हम उतरेंगे ताकि हम प्रधानमंत्री को मैसेज देना चाहते हैं कि जे आंड के में जे हाल हो रहा, जय हिंद जय भारत। प्रवाह की ग्राउंड कोई है नहीं, तो की करना अजय अजय पीछे आ जा यार, फिर गंदी आदत है शुरू तो। मैं कैमरामैन कितने दिन चलती तेरी है, मेरे दो नंबर फुल अखाड़ा नहीं चला देखेगा यार। देख Thank you.
चलो पीछे पीछे वो है ना झाड़ी लेवल से करें आहो जैसे बोलेंगे ना का जम्मू कश्मीर का की सरकार का जो डिसीजन आया जिसमें उन्होंने 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट चाहे वो जनरल लाइन के टीचर हो चाहे वो 10+2 के लेक्चरर हो उसमें 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया है, इसका छात्र पूरी तरह से विरोध करता है। 2021 के अंदर भी चाहे वो कुछ 10+2 की लेक्चरर की वैकेंसीज क्रिएट की गई थी और SRTC द्वारा यह डिसीजन लिया गया कि उसके अंदर भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जाएगी। छात्र इस पूरे जो भी पॉलिसी जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा लाई गई है उसका पूरी तरह से विरोध करता है और हमारी यह स्पष्ट मांग है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो रिक्रूटमेंट चाहे वो जनरल लाइन टीचर्स की रिक्रूटमेंट की जाए चाहे वो 10+2 लेक्चरर की रिक्रूटमेंट की जाए वो 80:20 रेशो के तहत की जाए। 80% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी चाहिए और 20% डिपार्टमेंटल प्रमोशन होना चाहिए। यहाँ जो पॉलिसी जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा लाई गई है वो एंटी यूथ पॉलिसी है। इस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे जो विद्यार्थी जो MA जो BEd MEd पोस्ट ग्रेजुएट्स जो लोग मास्टर्स कर चुके हैं जो लोग PhDs MPhil कर चुके हैं यदि इस प्रकार जो है इनका डिसीजन आएगा तो यदि 10+2 की रिक्रूटमेंट नहीं होगी तो वो विद्यार्थी जाएगा तो जाए कहाँ पर। इसलिए जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा यह डिसीजन एंटी यूथ डिसीजन है, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यदि इस डिसीजन को रिवोक नहीं किया जाता है तो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे वो डोडा किश्तवाड़ हो चाहे पुंछ राजौरी हो चाहे कठुआ हो चाहे कश्मीर हो विद्यार्थी सड़कों पर उतरेगा और इस एक जन आंदोलन के तौर पर जम्मू कश्मीर की सरकार को उसको सुनना होगा। इसलिए अब LG सरकार से यह अनुरोध करते हैं LG प्रशासन से यह अनुरोध करते हैं कि इस पूरे डिसीजन को रिवोक करें अन्यथा आने वाले समय के अंदर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इसी प्रकार से विद्यार्थी सड़कों पर उतरेगा। आपका नाम मुकेश मनास। आज जो ये गैदरिंग आप लोग देख रहे हो हम सरकार को सीधी चेतावनी देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द 28 फरवरी तक हमारे मसलों का हल किया जाए। आज ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ था इसका एक ही मकसद है, हमें कोई डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ कोई दुश्मनी नहीं है लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए थी आज तक वो हमारे मुद्दे के ऊपर खामोश है और ये डेली बेजर पिछले 28 साल से शोषण का शिकार हो रहा है लेकिन इनको हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए था लेकिन ये लोग आज आंखें बंद करके सो रहे हैं। इन्हें जगाने के लिए आज का ये प्रोटेस्ट है। अगर सरकार और डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारी अगर बात प्रधानमंत्री ऑफिस तक नहीं पहुंचाते हैं आने वाले दिनों में मोदी जी की भी जम्मू में दौरा होने जा रहा है और अमित शाह जी का भी दौरा होने जा रहा है, अगर उनके दौरे का कहीं पे विरोध होगा तो उसके लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिम्मेदार होंगे क्योंकि अब डेली वेदर इतना हताश हो चुका है वो अपने हक के लिए लड़ेगा मरेगा या मारेगा कुछ भी हो सकता है। जहां कहीं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी तो इसके लिए राज्य प्रशासन जिम्मेदार होगा क्योंकि LG साहब जो वादा करके झूठे साबित हुए अब हमें इनसे भी कोई उम्मीद नहीं है। हमारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह से रिक्वेस्ट है कि वो प्रधानमंत्री के साथ बात करें और जल्द से जल्द डेली वेजर के मसलों का हल करवाएं।
दिल कर रहा है उसको लाने में। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ के हमारे जो गवर्नर साहब हैं, हम यही डिमांड रखना चाहते हैं उन्हें कि जैसे हमारे 5 लड़के जो आज कोर्ट के माध्यम से उधमपुर के अंदर जॉब कर रहे हैं, हम लोगों को भी वही जॉब मिलना चाहिए, चाहे उसमें हमारी जॉब 5 साल की हो, 3 साल की हो, 60 साल के बाद हमें लोगों को रिटायर भेजा गया। अगर हमें वो नई जॉब मिलती है तो हम डिमांड रखना चाहते हैं कि हम लोगों को जो पिछला नई जो पैसा बनता है वो दिया जाए, तो जहां हमें पेंशन लगाई जाए। लेकिन अगर हमारा ये साथ इंसाफ नहीं होता तो हम 2 तारीख को हमारा यहां पर जो बड़ा प्रोटेस्ट है तिरंगा रैली होगी, और जहां से हम रैली लेकर गवर्नर साहब के पास जाएंगे और हम बोलेंगे हमारी 3 डिमांड से 1 डिमांड हमें मिलनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हो, श्रीमान अरुण कुमार जी जो डिस्ट्रिक्ट सांबा के विजयपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो पहले भारतीय जनता पार्टी में सक्रियता से काम कर रहे थे, लेकिन जब जिला परिषद के चुनाव हुए तो थोड़े निष्क्रिय हो गए थे, इनएक्टिव हो गए, और इनके कुछ साथी आज इनके साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं श्रीमान अरुण कुमार जी को और इनके जितने भी साथी हैं, बीडीसी चेयरपर्सन अर्शदा मैडम जी और जितने भी सरपंच साहिबान हैं जो उस उत्तर बैनी परमंडल, जोगिंदर जी और खड़ा मड़ाना के अनिल जी और उनके साथी, जितने भी साथी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं इनको मुबारक देता हूं, बधाई देता हूं कि ये आज फिर से अपने घर में वापस लौटे हैं। इनकी घर वापसी पुनः पार्टी में हुई है, मुझे इस बात की खुशी है कि ये वापस अपने घर लौटे हैं। बैठो 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 बै
नाम आपका? मेरा नाम लक्षण है। कौन सी क्लास आपकी? मेरी थर्ड आई है। कैसा लग रहा है आप स्कूल आ जाए? बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल आकर। मैं अपने टीचर्स के साथ मिल रहा हूँ, फ्रेंड्स के साथ मिल रहा हूँ। घर बैठ के ऑनलाइन क्लास जैसे लगती भी नहीं थी। स्कूल में ऐसे कोई बात मैम से पूछनी हो जो कि क्लास डिस्कनेक्ट होती थी, मैम से बार बार कोई चीज भी पूछ सकता हूँ। कितनी खुशी आज आपको? मैम सर बहुत खुशी है। साल बाद स्कूल लग रहा है आज आपको? सर दो साल के बाद स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सारे फ्रेंड्स दो साल के बाद, सारे टीचर्स दो साल के बाद हैं, और स्कूल को भी मैं दो साल के बाद ही देख रही हूँ। अब हमारे पेपर ऑनलाइन हैं तो एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हैं तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ऐसे सर गूगल और नोटबुक सामने रख के बच्चे चीटिंग भी कर सकते थे, और सर अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल आके। तो ऑफलाइन में, ऑनलाइन में कितना मज़ा आता था पढ़ने जा ऑफलाइन में? सर ऑनलाइन में हमारी कभी क्लासेस डिस्कनेक्ट हो जाती थी, कभी कुछ लगता नहीं था, कभी कुछ एरर आता था, नेटवर्क इश्यूज होते थे, और स्टूडेंट्स और टीचर का आई टू आई कांटेक्ट नहीं हो पाता था, जिससे कि बच्चे टीचर्स की बात भी नहीं सुनते थे। को? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल आके। इतनी देर के बाद स्कूल खुले हैं हमारे, हमारी पढ़ाई भी अच्छे से होगी और बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्लास से ऑनलाइन, ऑनलाइन कैसे लगा? पढ़ाई अच्छी होती थी या ऑफलाइन? हाँ ऑनलाइन में भी अच्छी होती थी मैम, सारी टीचर अच्छे से पढ़ाती थी, ब्लैक बोर्ड पर शो करती थी, और नोटबुक भी रेगुलर चेक होती थी हमारी। ऑनलाइन पे भी अच्छे से होती थी पढ़ाई। मेरा नाम नकुल है और मैं जम्मू यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट का छात्र हूँ। हमारा जो प्रोटेस्ट था आज, हम कंट्रोलर सर से मिलने आए थे, और हमारे जो ऑनलाइन एग्ज़ाम थे आज से शुरू हो रहे थे। इन्होंने हमारी जो डेट शीट थी वो विड्रॉ कर दी, और सभी बच्चे जो दर बदर खज्जल हो रहे हैं यहाँ पे, किसी को भी पास रहने की जगह नहीं है। और बच्चों को कुछ, हम अंदर गए और इनके पीए ने हमें ये बोला कि जो हमारे एग्ज़ाम्स होंगे वो ऑफलाइन होंगे, तो हम ऑफलाइन देने को तैयार ही नहीं है ये बच्चे सारे, इनको इधर रहने का कोई वो नहीं है, हमारी क्लासेस ऑनलाइन हुई तो हम एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन क्यों दें? बस हमारी यही डिमांड है, जो डेट शीट हमारी आई हुई है उसी के हिसाब से हमारे जो एग्ज़ाम हों बस। देखिए ये नंबर प्लेट में फर्क है। अब आप देखें गाड़ियों में जो है आरपी प्लेट से यूनिफॉर्म की बात की जाए तो गाड़ी कलान भी किया जाते हैं लोगों में, कहीं ना कहीं निराशा भी इंसान बताई कि पात्र किस तरह से आपने एक गाड़ी को पकड़ा। देखिए रूटीन में हम चेकिंग करते हैं, जब ये गाड़ी आई तो हमने इसको रोका, इस पर HSRP प्लेट नहीं थी, हालांकि उस किस्म का इसको शेप देने की कोशिश की गई थी। जब हमने ई चलान के माध्यम से इसको चेक किया गया तो जो इंजन नंबर, इस नंबर पे इसके साथ जो इंजन नंबर और चेसी नंबर वाली गाड़ी थी, जब मैच किया तो इंजन नंबर और चेसी नंबर टैली नहीं किया, तो उसे हमें और सस्पिशन होगा। तो हमने आगे के इसमें जब देखा तो ये गाड़ी जो है ये किसी और नंबर से रजिस्टर्ड है, लेकिन ये यहाँ फेक नंबर पे चल रही है। तो इस गाड़ी को हमने सीज़ कर लिया, और फर्दर कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन और धूमपुर को हम हैंड ओवर करने जा रहे हैं। कहाँ से ये गाड़ी को, कौन लोग थे जो इस गाड़ी को चला रहे हैं? देखिए श्रीनगर के से रहने वाले थे, तो वो किसी श्रीनगर के रहने वाले हैं, उनको फ़िलहाल हमने हिरासत में ले लिया और थाने वालों के हैंड ओवर कर रहे हैं। क्या कहना चाहती हैं आप? तो जो आने वाले आपकी पढ़ाई थी वो अच्छी चल रही थी? नहीं करते हैं दादी जो है सर, हमारे पहले ब्लॉक प्रेसिडेंट हो गए।
इतना बड़ा फेक यहाँ पर जो है मैं कहूँगा नेक्सस जो चल रहा है। हमारे डेढ़ साल के बाद स्कूल खोले हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। कोरोना की वजह से हमें इंटरनेट प्रॉब्लम थी, हम बॉर्डर पे रहते हैं। अब हम हमारे स्कूल खुल गए हैं तो हमारी आगे की पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी। हमें बहुत खुशी है कि हमारे स्कूल खुल गए। मुदाखलत करने की अपील करता हूँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो जावेद कुरैशी 2 दिन में पूरे वर्कर्स लेके जिले कुपवाड़ा के डीसी साहब के ऑफिस के सामने हमारा बहुत बड़ा धरना होगा। एक तो ये बात है, दूसरा कई सालों से कश्मीर में एक स्कीम चल रही थी कि बाथरूम बनाने की। जहां तक मैं इलाकों में गया, इलाकों में बात की लोगों से, आधे लोगों के पैसे तो अभी तक नहीं मिले हैं, और जिनको मिले हैं मैं ये समझता हूं किस वजह से यहां के अफसरों ने उनको पैसे दिए हैं। पहली बात यह है कि बाथरूम किसी जगह बने ही नहीं। अगर गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं तो बाथरूम बने क्यों नहीं है? ये चीजें यहां की एडमिनिस्ट्रेशन को देखनी चाहिए, और जिन लोगों के साथ वो राबते में हैं जो इनको गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये एक गरीब का हक मारा जा रहा है। हमें मजबूर न करें, यहां की एडमिनिस्ट्रेशन हमें मजबूर न करें एहतजाज करने के लिए। और ऐसे लिस्टों को मैं समझता हूं डीसी साहब एक ऑर्डर निकाले, हर पंचायत में, हर हलके में जिसको आईएवाई केस मिलेगा इसका लिस्ट पंचायत के बाहर हो और पूरे आवाम को पता होना चाहिए। क्योंकि एक मेरे पास एक औरत आई थी कल बटकूट से, वो इतनी रो रही थी कि 3-4 साल से वो वेट कर रही है कि मेरे बच्चे को आईएवाई केस मिलेगा फिर वो मकान बनाए। मगर बदकिस्मती की वजह से कल एक शख्स वहां, मैं नाम नहीं लूंगा, एक शख्स वहां गया, बोला आप जाओ किसके पास जाना है, आपको ये नहीं मिलेगा, ये मेरे भाई को मिलेगा। ये ऐसा माहौल आज भी हो रहा है। अगर जम्मू कश्मीर की बात हम करें, अगर हम जिले कुपवाड़ा की बात करें, ऐसे लोग अभी सवार है यहाँ पे जो गरीबों का हक लूट रहे। भारतीय जनता पार्टी का वाहिद यही मकसद है, हम गरीबों के साथ है। और इस जो आज ये आईएवाई केस यहाँ पे देने वाले हैं हमारी गवर्नमेंट, अगर इसमें ऐसा कोई मामला पेश आया तो रोडों पे हम होंगे, तो फिर ये न कहे कि इन्होंने एहतजाज किया। देखो कुछ बातें होती है जब ये बाहर आ जाएंगे। आज अगर लिस्ट बना रहे हैं, हम देख रहे हैं किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए। अगर इसमें ऐसे लोग हैं जो सिस्टम जी सर, मैं मुगजमहरी वार्ड नंबर 4 से हूँ, रियाज अहमद है मेरा नाम। जी हमने आज पांच और एक डिप्टी सरपंच ने यहाँ पे ज्वाइन किया है बीजेपी के साथ, मुवसदत नसीर अहमद साहब के साथ हमने आज ज्वाइन किया है। हमारे इलाके में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। वाटर सप्लाई का जो प्लान है वो 2014 में वहाँ शुरू हुआ है, वो 2004 से वो शुरू हुआ है लेकिन आज तक वो पेंडिंग है। और रोड्स का प्रॉब्लम है वहाँ पे, और बिजली का प्रॉब्लम है वहाँ पे। आज तक जितने भी पार्टियाँ हैं उन्होंने खाली हमसे वोट लिया है, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। अब हम इसी उम्मीद से ये बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं कि हमारे पसमान इलाके में काम हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए। तो जितने आज तक जितने भी पार्टियों को हमने वोट डाला है उन्होंने कुछ नहीं किया है। ये नए जनरेशन जो यूथ हैं, बस यही भरोसा है कि इंशाल्लाह ये काम करेगा। हमने भी ज्वाइन किया है, किसी के दबाव में आकर नहीं ज्वाइन किया, हमने खुला हम ज्वाइन किया है इनके साथ। इंशाल्लाह काम हो जाएगा,
और हमारे इलाके में डेवलपमेंट हो। जो आज इन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया है, पांच पांच और डिप्टी सरपंच है कि इन्होंने आज ज्वाइन किया है कि अपने दिमाग से होश हवास में आया कि इन्होंने आज यहाँ पर ज्वाइन किया मेरे साथ, कि जब इन्होंने देखा कि काम कौन कर रहा है इस ग्राउंड में, ये चीज़ नहीं है मैं सुबह अपना एकोमोडेशन सब कुछ पकड़ूँ और घर से निकल जाऊँ तो इन बेचारों का यहाँ पर चेहरा नहीं दिखाऊँ। लीडर वो होता है जो गाँव में जाए, लीडर वो होता है कि जो इनका जो मसले मसाइल हो वो हल होना चाहिए। अगर मैंने बार बार ये इंटरव्यू में कहा कि जो मुकदमे आए हैं प्रांग घंटी प्रांग जितने भी एरिया है वहाँ पर उनको इग्नोर किया जाता है, चाहे कोई भी मिनिस्टर हो, चाहे 70 साल अगर इन्होंने आजमाया अकबर लोन साहब को, यासिर साहब को या इम्तियाज साहब को, अगर उन्होंने आजमाया, अगर इन लोगों ने उनको आजमाया तो आज तक उन्होंने क्या दिया इनको। मगर इनको जब लगा आज इंसान को पहले इज्जत होना चाहिए पार्टी में, चाहे कोई भी पार्टी हो इज्जत होनी चाहिए। यहाँ पर वही गुंडा राज आज भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो गुंडे रखे थे, जो PDP ने गुंडे रखे थे और वही वर्कर आज भी अपने घर के लिए कर रहे हैं काम, चाहे ये अगर ये पंच थे इन पंच बेचारों ने आज तक कोई काम नहीं किया है, क्योंकि जो वहाँ का सरपंच था वो आज तक NC का था। अगर ये बेचारे वहाँ पर उन्हीं के साथ अभी तक चल रहा था, इनके वार्ड में इनको लोगों ने वोट डाले हैं, तो आज अगर देखें ग्राउंड में इन बेचारों का कोई काम नहीं हो गया वहाँ पे, तो अब हम ये कहना चाहिए मेरे पास आए कि इन्होंने मैंने कहा कि नसीब साहब हमको ये चीज़ प्रॉब्लम है, मैं एश्योरेंस देता हूँ इंशाल्लाह इनको, इनको वाटर जो वाटर की प्रॉब्लम है, पानी ये रोड की बिजली है, जितने भी इनकी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं वो करके दिखाऊंगा कि ग्राउंड लेवल पर जाके इनका जो प्रोटेस्ट किया है, ये काफ़ी तादाद में यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो शामिल हैं। आप बताएं कि ये प्रोटेस्ट जो कि तकरीबन जम्मू यूनिवर्सिटी में भी हुआ है पिछले दिनों में, आज यहाँ पर हो रहा है, इसके बेसिक और बुनियादी मकसद क्या थे? सर पहले मैं आपको बताता हूँ कि पूरे जम्मू डिवीज़न जो हमारे समर जोन कॉलेजेस हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे हैं, उधर अभी पूरे जम्मू डिवीज़न में हमारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। हमारी क्लासेज अगर वो जूम में दे रहे हैं तो एग्ज़ाम ये ऑफलाइन क्यों दे रहे हैं? हमारे अभी सिलेबस नहीं हुए, 50% सिलेबस तक नहीं हुआ, अभी हमें मिल रहा है कि आपके 15 मार्च से पहले पहले आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, ये तो नाकाबले बर्दाश्त है। VC अपनी उधर जम्मू कुर्सी में बैठ के हमारे फ्यूचर के साथ कैसे खेल सकता है? वहाँ से बैठता है एक नोटिस निकाल देता है कि हम ऑफलाइन एग्ज़ाम लेंगे, हम ऑफलाइन कैसे देंगे जब तक हमारी क्लासेज नहीं हुई? पूरे जम्मू डिवीज़न में ये हर कॉलेज का ये मसला है, आप कैसे हमारे ऑफलाइन क्लासेज लेंगे ऑफलाइन एग्ज़ाम लेंगे? अगर रही आप ऑफलाइन एग्ज़ाम लें, हम ऑनलाइन जैसे हमने ऑनलाइन पढ़ा उसी तरीके से आप हमारा ऑफलाइन क्लास ले लो, जिस तरीके से हमें ऑफलाइन पढ़ाया गया उसी तरीके से ऑफलाइन का आप एग्ज़ाम ले लो। VC वहाँ बैठता है, उनके बच्चे पढ़ते हैं ना फॉरेन में, पढ़ते हैं उधर, पढ़ते हैं इधर, पढ़ते कर लेते हैं उनके से, तो हमारा जो इधर चल रहा है हमारा तो ये कुछ क्या हमारे फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं ये VC बैठ जम्मू में बैठ के, हम ये नाकाबले बर्दाश्त है। हम 5 दिन का टाइम देते हैं उनको कि जल्दी से जल्दी हमारी ऑनलाइन डेट शीट निकालें, वरना उनके लिए ठीक नहीं, हम सड़कों पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर आएंगे, फिर पता चलेगा कि स्टूडेंट पावर क्या होती है। क्या आपका बाकी कॉलेजों के साथ इस वक्त जो रबता है उन बाकी स्टूडेंट्स के साथ? हाँ भाई, हमारा पूरे जम्मू डिवीज़न के हर कॉलेज हर स्टूडेंट के साथ हमारा रबता है, पूरे स्टूडेंट यूनियन जो है पूरे जम्मू में अभी प्रोटेस्ट पर बैठी है। अभी जम्मू यूनिवर्सिटी में देखो रियासी टू आप पूंछ कॉलेज मेडल में हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, तो जम्मू यूनिवर्सिटी से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि 5 दिन का हम टाइम दे रहे हैं, वरना ये ना हो हम स्टूडेंट्स आ जाएं रोड पे तो आपको फिर पता चलेगा स्टूडेंट्स पावर क्या होती है। जब हम स्टूडेंट्स रोड पे आके तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पूरी जम्मू यूनिवर्सिटी को देते हैं, वाइस चांसलर को देते हैं, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर को देते हैं कि आप कैसे बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलते हैं। जब रोड पे आके तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी हमारी जो हम बच्चों को कुछ हुआ या ये सब उन पे जाता है, ये ना हो कि हम कल रोड पे बैठ जाएं फिर वो पंगे बन जाएं, इससे 5 दिन के अंदर अंदर हमारी ऑनलाइन डेसी निकाल। बस बस मैं काम कराओ कुर्सी छोड़ो आराम करो, बीसी तुम मैं काम कराओ कुर्सी छोड़ो आराम करो, बीसी तुम मैं काम कराओ कुर्सी छोड़ो आराम करो। क्लास इन रूम एग्जाम इन रूम नहीं चलेगा नहीं चलेगा, क्लास इन रूम एग्जाम इन रूम नहीं चलेगा नहीं चलेगा, क्लास इन रूम एग्जाम इन रूम नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट ऑनलाइन हो, क्योंकि हमारी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन तरीके से ली गई है, क्योंकि
ऑनलाइन क्लासेस में नेटवर्क इशू रहता है बहुत ज़्यादा, कुछ समझ में भी नहीं आता और हमारा सिलेबस भी जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इसलिए हम जम्मू यूनिवर्सिटी से ये अपील करते हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन होने चाहिए। नेक्स्ट सेशन में अगर वो क्लासेस ऑफलाइन करवाएंगे तो हम ऑफलाइन एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। बस मैं जम्मू यूनिवर्सिटी से यही अपील करूँगी इस बार हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन लिए जाए। मैं वीसी साहब से भी ये अपील करूँगी कि हमारे एग्ज़ाम ऑनलाइन ही लिए जाएँ। अगर हमारे साथ इस बार जस्टिस नहीं हुआ, हमारे एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं लिए गए, तो हम सड़कों पर उतरेंगे, सड़कें ब्लॉक करेंगे और फिर बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे एग्ज़ाम ऑनलाइन लिए जाए। ये जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हमारी मांगें पूरी करें, हमारे एग्ज़ाम ऑनलाइन लें। हमारी क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन तरीके से ली गई थी, इसलिए हम चाहते हैं हमारे एग्ज़ाम ऑनलाइन। आपने ये प्रोटेस्ट रखा है ये किस हवाले से है? ऑनलाइन एग्जाम क्यों चाहिए आपको? क्योंकि अभी तो जो कोविड है वो भी खुल रहा है। हमारी क्लासेज अगर जूम पे हुई है तो हम क्लास एग्जाम्स रूम में कैसे दे सकते हैं? ये नहीं चलेगा, हमें ऑनलाइन एग्जाम्स ही चाहिए। हमारे फ्यूचर के साथ क्यों खेला जा रहा है? क्योंकि हम अगर क्लासेज जूम पे लगा रहे हैं, क्लासेस हमारी ऑनलाइन हो रही है, तो हम एग्जाम्स कैसे ऑफलाइन दे सकते हैं? हमें कुछ जैसे जितना पढ़ा होगा उतना ही तो एग्जाम देंगे। अगर हमने पढ़ा ऑफलाइन है, क्लासेस हमने रूम में लगाएंगे, तो एग्जाम तब रूम में लो तब तो मजा है, लेकिन ऐसे हम नहीं देंगे ऑफलाइन एग्जाम, हमें ऑनलाइन एग्जाम्स ही चाहिए। मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में मेरे साथ जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो आज ज्वाइन की है, हाजी नज़ीर पट्टी साहब के साथ जितने बुजुर्गों ने और नौजवानों ने ज्वाइन किए, मैं इनका अपनी और अपनी पूरी टीम की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में वेलकम करता हूँ। साथ में मेरे साथ जो मेरे पार्टी के जो सीनियर लीडर जैसे कैप्टन जसपाल साहब, चैन सिंह साहब, हमीद साहब, इसके अलावा जितने भी लोग हैं, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं वाजह तौर से अपने नज़ीर भट्टी साहब को कह देना चाहता हूँ कि इनको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि जिस जमात के साथ ये जुड़े हैं वो क्या कर सकती है और पुराने वालों ने क्या किया था। बाकी मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, एक बार फिर से अपने तय दिल से अपनी जो मेरे साथ टीम आई है, जो सीनियर लीडर्स हैं, इनकी तरफ से इनका वेलकम करता हूँ। शुक्रिया। ये जो बॉडी हमारे पास आई है मोहम्मद इरशाद की, सन ऑफ मोहम्मद हुसैन, सन आरओ अड़ाई मंडी। बॉडीज मॉर्निंग में रिसीव हुई अराउंड 9 AM। इसका पोस्टमार्टम किया था, हिस्ट्री ऑफ पॉलीट्रॉमा थी। पेशेंट पहले की कुछ दिन पहले हमारे DH पुंछ में आया था और यहाँ से रेफर हुआ था। काफ़ी अनस्टेबल था पेशेंट, जम्मू रेफर हुआ था, 5 दिन बाद इसका ट्रीटमेंट हुआ। तो हमारे पास आज बॉडी रिसीव हुई, इसका हमने ऑटोप्सी किए। एक्सटर्नली इस पर हेड इंजरी थी, स्टिचेस थे फोरहेड पे, ओवरऑल बॉडी पे, राइट शोल्डर पे, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ बोथ द लेग्स, एब्डोमिन, बैक पे अब्रेशंस थे। हमने इसके विस्टार्स भी निकाले हैं, उसके लिए सीलिंग की है, रेफर सेल के लिए भेजे। हम फर्दर वेट करेंगे इसकी कि क्या रिपोर्ट्स आती हैं, कोई सस्पेक्टेड होमिसाइडल है या सुसाइडल है। मोर ओवर इसकी हमें एक्सरेज भी करवा ली बॉडी की, तो रिजल्ट आर वेटेड। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मौलवी हकीमुद्दीन। तो सर बताएंगे जो हादसा हुआ है तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? सर ये जो हादसा हुआ है 12 तारीख को, जैसा कि मैंने सुना कि ये लड़का डाक बंगले के सामने शॉप करता था, तो इसका नाम इरशाद अहमद है, और वहाँ से कहीं ये गायब हो गया, तो दोपहर को खाना खाने भी नहीं गया। तो जब घर वालों ने देखा कि खाना खाने नहीं आया, तो ये लोग सोचा होगा कि भाई कहीं दाएं बाएं गया होगा। जब शाम तक ये घर नहीं आया, तो बाद में पता लगा कि शाम को उसकी है यहाँ हॉस्पिटल के अंदर जो है वो किसी ने बनबत ले जाकर वहाँ जंगल के अंदर ले जाकर उसको जो है उसका कत्ल किया हुआ है। जो ले जाने वाले हैं ये तो जाने पुलिस, कौन ले गया कैसे ले गया वो तो उनका जांच पड़ताल करनी उनका काम है। लेकिन यहाँ से एक आदमी दुकान करता हुआ अगर ले जाकर जंगल में जाकर उसको जो है उसका कत्ल कर दे और जाकर झाड़ियों में डाल के आ जाए, तो फिर हमारे इस पुंछ के अंदर जो इतनी जो है इस कदर इससे पहले कभी जो है ऐसा कोई जुल्म और सितम नहीं होता था, तो अगर यहाँ ऐसा होने लगा तो फिर तो किसी भी नौजवान का बचना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक आदमी अगर अपना काम करता हो और उसको यहाँ से उठा के ले जाए, और ले जाने वाले कौन लोग हैं ये जहाँ खुद पुलिस देखेगी, और कहाँ ले गए जंगल के अंदर वहाँ उनको उसको बेचारे को जहाँ कत्ल किया, और फिर वहाँ पता नहीं किसने देखा, कैसे हुआ, कैसे हॉस्पिटल आया, ये सब पुलिस देखेगी। लेकिन हमारा काम है कि वो मेरा भतीजा था
और उसको इतनी बेदर्दी से मारा हुआ, जब उसके हमने जख्म देखे, उसके सिर के जख्म देखे, जिस्म के अंदर जख्म देखे, तो अपनी तरफ से ले जाने वाले उसको जो है बिल्कुल मार के जो है ख़त्म करके आ गए थे। लेकिन बात यह है कि अगर ऐसा होने लगा तो फिर बहुत मुश्किल है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन पहुँच SSP साहब से पुरजोर अपील है कि ऐसे मुजरिमों को जो इस तरीके से बद हरकत करते हैं और लोगों के जो है कातिलाना हमले करके लोगों को जो है कत्ल करते हैं, उनको जो है फौरी जो है उनको ट्रेस किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा आने वाले नौजवान नस्ल जो है ऐसे गुंडों से और ऐसे जो है बदतरीन बदतरीन लोगों से जो है लोग महफूज रहें और बेगुनाह लोग जो है उसे बच सके। मैं एक क्लास में पढ़ती हूँ। हमारे कितने दिनों बाद स्कूल के लिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार भी शुक्रिया अदा करते हैं, हमारी जो पढ़ाई छूटी थी वो भी हम पूरी कर सकेंगे। पहले हम ऑनलाइन भी पढ़ते थे, ट्यूशन भी पढ़ते थे, पर अब स्कूल खुल गए, अब हम बहुत खुश हैं कि हम अब स्कूल में पढ़ेंगे। दो तीन साल हो गए स्कूल बंद हुए, शाम की स्कूल खुली। मैं पांचवी कक्षा से पढ़ता हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमारे स्कूल खुले हैं। दो तीन साल क्या बोलते हैं, जो ट्यूशन के अलावा जो फिर ऐसे करते हैं तो ऑनलाइन बहुत खुशी हुई है। हमें बहुत खुशी है कि हमारे स्कूल खुले हैं। हम मार्च में पेपर देने आए थे, उसके बाद अब बहुत देर के बाद आ रहे हैं ऑनलाइन क्लास से और ट्यूशन अटेंड करके, अब बहुत देर के बाद स्कूल खुले हैं तो हमें बहुत खुशी हो रही है। हमने डिपेंड अच्छे से की और अभी हम स्कूल आए हैं बहुत देर के बाद, बहुत खुशी है। फोटो हो जाएगा।